YouTube, this is Nikita. Welcome back to my channel. अपनी NCERT सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम क्लास 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो क्लास 7 स्टार्ट करते ही आज हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7 का. तो देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में आज हमें नया सीखने को मिलता है. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर. जैसे कि आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो इसका मतलब जैसे हम समझेंगे कि इस चैप्टर हमें क्या समझाना चाह रहा है, ये चैप्टर हमें क्या बताना चाह रहा है. हमने अपनी क्लास 6 में पढ़ा था फूड के बारे में जो हमें प्लांट्स से मिलते हैं. वहाँ हमने जाना कि हम अपना फूड कैसे बनाते हैं, हमें अपना फूड हम कैसे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं. इस चैप्टर में ये जानेंगे कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं जिसकी वजह से वो हमें भी फिर खाना प्रोवाइड कर पाते हैं. ठीक है, तो वही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हमने जैसे पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग. तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन का मतलब होता है हम जो फूड खाते हैं या फिर प्लांट्स भी अपना जो फूड बनाते हैं, खाने के बाद या फिर फूड बनाने के बाद जो हमारी बॉडी को, जो प्लांट की बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है खाने से, या वो जिस तरह के से उस एनर्जी को यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. जो हमें फूड से मिली, क्या मिली? एनर्जी मिली. किस लिए मिली? हमें अपने सेवरल काम करने के लिए, अपने सारे टास्क परफॉर्म करने के लिए जो हमें एनर्जी मिलती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन. मिला हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिला फूड से जो हमने खाया या फिर प्लांट्स ने जो बनाया. ठीक है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए भी क्या बना पाएंगे? खाना. जैसे हमने पहले पढ़ा था 6th क्लास में कि हमें फूड से क्या क्या मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं. ठीक है, अब वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? हमारा डायरेक्ट सोर्स क्या है? प्लांट्स है. अब प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से हमारे इन क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे कि वो कैसे अपना खाना बनाते हैं. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारे प्लांट्स है वो क्या है. वो है हमारे ऑटोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है, ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट. मतलब वो अपने आप को खुद ही नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, खुद ही अपना खाना अपने अंदर प्रिपेयर करते हैं. और हम अगर बात आती है कि ह्यूमन बींग्स कैसे हैं या फिर एनिमल्स कैसे हैं, हमने जैसे पहले जाना था कि हम ऑटोट्रॉप्स नहीं हैं, हम हैं हेटरोट्रॉप्स. तो हेट्रो का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉप्स का मतलब फिर से वही नरिशमेंट. ठीक है, अब देखिए कि हम तो हो गए हेटरोट्रॉप्स. हेटरोट्रॉप्स का मतलब हो गया कि हम किसी और पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. तो हम किस पे डिपेंडेंट है? हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है. प्लांट्स हमारे होते हैं ऑटोट्रॉप्स और ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं हमारे हेटरोट्रॉप्स. ठीक है, तो पहला हमारा फर्स्ट पॉइंट है 1.1 जिसका नाम है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हमारा जो प्लांट है वो कैसे अपने अंदर खाना बनाता है, किसकी हेल्प से वो खाना बनाता है और उसको खाना बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हमने देख लिया. वो तो ऑटोट्रॉप्स है. अब यहाँ पे बूझो का एक सवाल आता है कि आपके क्लास में जो बूझो है, एक लड़का है, वो ये बोलता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स हैं, वो अपना खाना खुद बना लेते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते. तो ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में भी आ रहे हैं, तो वही सब का आंसर के लिए हम आज ये अपना चैप्टर लेकर आए हैं और इसको सॉल्व भी करेंगे अपने क्वेश्चंस को, और इसको पढ़ना भी है, हमें समझना भी है. ठीक है, अब बात आती है जैसे कि हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है प्लांट्स का, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं जिससे वो अपना खाना बनाता है हमारा प्लांट, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटो मतलब होता है हमारा लाइट, और सिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपने खाने को सिंथेसिस मतलब बनाना. ठीक है, वो होता है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हमारे प्लांट्स जो फूड बनाते हैं अपना, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं. ठीक है, तो हमने अभी फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना, मतलब फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. अब हमने देखा इसको और अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, हम जानेंगे अपने डायग्राम से. तो जैसे कि हमने देखा कि हमारे प्लांट्स को तीन चीज की जरूरत होती है. क्या चीज? वाटर, मिनरल और लाइट. अब ये तीन उसे कहाँ से मिलेंगे जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से वो अपना क्या बनाएगा? फूड बनाएगा. तो वही हम एक इस डायग्राम से भी देखते हैं कि देखिए अब उसको एनर्जी के लिए,
उसका जो एनर्जी का जो सोर्स है, लाइट का जो सोर्स है, वो क्या होगा? हमारा सन। हमारा सन ये तो होता है जो हम सबको लाइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो वो कहाँ? हमारे प्लांट पे पड़ेगी। अब वाटर तो हम उसे खुद प्रोवाइड करवा देते हैं, और मिनरल्स उसे कौन प्रोवाइड कराता? सॉइल। तो तीनों चीज उसके पास है अब, क्या? वाटर, मिनरल्स और सॉइल, जिससे उसने क्या बनाया? अपना खाना प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। अब वो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करेगा और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। वो ऑक्सीजन किसको हेल्प करेगी या किसके लिए काम आएगी? वो हमारे काम आएगी। और टू हम लेते हैं, हमने अपनी क्लास 6 में भी ये पढ़ा है। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को एक बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो हमें रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगी। और अब आप ये देखिए, हम फूड के लिए भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपने रेस्पिरेशन के लिए भी प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट हैं। अगर हमारे प्लांट्स ना हो तो, अगर अब ये देखिए प्लांट्स नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा तो फूड भी नहीं मिलेगा। प्लांट अपना फूड नहीं बना पाएंगे तो वो हमें कैसे फूड देंगे? हमें कैसे फ्रूट्स मिलेंगे, वेजिटेबल्स मिलेंगे, या कोई भी चावल, दाल, आटा, जो भी, वो हमें कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब है कि बिना प्लांट्स के, बिना लाइट के, बिना एयर के, बिना वाटर के, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रह नहीं सकता। अब बात आती है हमारी इस एक्टिविटी की, और इस हमारे जो एक इक्वेशन काइंड दिया हुआ है उससे हम पहले समझते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कैसे होता है। अब देखिए प्लांट्स को क्या जरूरत होती है, किस चीज़ की जरूरत होती है। अब वो CO2, मतलब जो इन्वायरमेंट में हमारी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है, वो डायरेक्टली वहाँ से ले लेगा, और वाटर जो है हम उसे देंगे, वाटर हम उसे प्रोवाइड कराएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को सनलाइट की प्रेजेंस में, एरो के हम ऊपर जो लिखते हैं वो लिखते हैं उसकी प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या है ये वर्ड के बारे में हम अभी जानेंगे। तो इन दोनों को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या वो बना देगा? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमने देख लिया कि हमारा जो एक कोई भी, अगर आपके लिए न्यूट्रिशन की, अगर मान लो आपके लिए कोई इक्वेशन आती है, तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे या उसकी डेफिनेशन कैसे देंगे? तो न्यूट्रिशन की आप डेफिनेशन देंगे कि जो भी खाना ऑर्गेनिज्म खाता है या फिर हम खाते हैं, फिर उससे जो हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, या फिर जो वो एनर्जी हमें प्रोवाइड हुई है उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन बोलेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन हमारा एक और आता है कि हमारे कंपोनेंट क्या होते हैं जो हमें फूड से मिल रहे हैं? वो हमारे 5 प्रकार के कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं हम देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल और हमारे बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब यहाँ पर पहेली का एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो प्लांट की पूरी बॉडी में होता है, या फिर स्पेसिफिक एक उसका ऑर्गन है जहाँ पर वो अपने इस फूड को बनाते हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो ये पूछना चाहती है कि प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ होती है, ठीक है। अब यही हम जानेंगे आगे इस चैप्टर में, जैसे कि हमने वर्ड भी पढ़ा है, हमें उसका मतलब भी जानना है, ठीक है। ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि कैसे कैसे सारी चीज़ें उस फूड फैक्ट्री तक पहुंचती हैं, मतलब सारे तीनों चीज़ें, मिनरल, वाटर और हमारे जो लाइट है, वो उस फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचती है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो हमारा प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं, वहाँ पर हमारे प्लांट की क्या होती है? फूड फैक्ट्री होती है। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि हमारे लीफ में ही क्यों, ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमारा प्लांट लीफ में ही अपना क्या बना पाएगा? फूड बना पाएगा। तो इसका आंसर ये है कि हमारा जो लीफ है, हमारे प्लांट्स की जो लीफ है, उसके पास होता है क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर, जो हमारे लीव्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या होती है उस क्लोरोफिल में? सेकंड चीज़ उस क्लोरोफिल की ये एक क्षमता होती है उसकी, कि या कैरेक्टरिस्टिक होती है उस लीफ की, कि वो क्या करे, हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें से लाइट को कैप्चर करे और हमारा फूड जो है प्लांट के लिए बनाए। तो अब ये देखिए, लाइट हमारे कहाँ पड़ेगी? पत्तियों पे पड़ेगी। अब
अब ये देखिए कि लाइट तो हमें मिल गई, मतलब सनलाइट तो पत्ती को मिल गई, लेकिन बाकी वाटर और मिनरल्स उसे कैसे मिलेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि वो भी वो एनवायरनमेंट में से ले लेगा। नहीं, हम क्या करते हैं, वाटर कहाँ देते हैं, उसकी जड़ों में देते हैं। आपने देखा होगा हम हमेशा जब भी पानी देते हैं प्लांट को तो हम हमेशा उसको जड़ों में देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो उसके रूट्स हैं, मतलब जड़ें, जैसे कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था बाकी सारे पार्ट्स प्लांट के, तो उसी तरह जो हमारा रूट होता है वो हमारा सॉइल के नीचे होता है, हम वाटर वहीं प्रोवाइड करेंगे। और मिनरल्स हमने देखा, तो मिनरल्स हमारे कहाँ से, सॉइल से लेगा प्लांट। अब क्या करते हैं, ये हमारी जो दोनों चीजें हैं वो लीफ तक कैसे पहुंचेगी, वो पहुंचती है वेसल्स के थ्रू। अब ये वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स होते हैं जैसे हमारे अंदर नसें होती हैं, मतलब हमारे अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उसी तरीके से हमारे प्लांट के पास भी एक कोशिकाएं होती है एक तरह की, और वो पाइप की तरह उसका काम करती है। अब वो काम क्या करती है कि वो सॉइल से वाटर और मिनरल्स उसकी लीफ तक पहुंचाएं, ताकि तीनों चीज वहां पर आ जाएंगी और जो हमारा प्लांट है हमारा फूड बना लेगा, हमारी लीव्स हमारे प्लांट के लिए फूड बना लेंगी। ठीक है, अब ये हमारी सारी चीजें फूड फैक्ट्री तक पहुंच गई। वो वेसल्स जो हमारी रूट्स से लीफ तक हमारा जो वाटर और मिनरल्स को पहुंचाती है उनको बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जाइलम और फाइलम। ठीक है, अब जब हम वेसल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो हम ये जानेंगे कि वो बनती किस चीज से है। ठीक है, वो बनती है हमारी सेल्स से। अब ये सेल क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि पूरी बिल्डिंग एक एक ईंट को जोड़ के पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी तरीके से होती है हमारी सेल। अब ये सेल क्या है, सेल होती है हमारी एक सिंगल कोशिका, हमारी एक सिंगल नस बोल सकते हो आप। ठीक है, उसको ज्वाइन करके हमारा टिश्यू बनता है, और टिश्यू बहुत सारे टिश्यूज को एक साथ ज्वाइन करके क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन्स को ज्वाइन करके क्या बनता है, पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, उसी तरीके से अब जो वेसल्स हमने पढ़ी हैं वो वेसल्स किससे बनती हैं, सेल्स से। सेल्स को ज्वाइन करके हमारी वो एक वेसल बन गई है। अब इस सेल के बारे में जानेंगे। तो हमारी सेल क्या होती है, हमारी सेल थ्री लेयर होती है। थ्री लेयर मतलब तीन लेयर है उसके पास। कौन कौन सी, एक जो बाहर वाली लेयर है जो आप ये देख रहे हैं, एक सर्कल है बड़े वाला बाहर वाला, वो होती है हमारी सेल मेम्ब्रेन। अब उसके अंदर एक सबसे अंदर देखिए एक ब्लैक सा डॉट है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, जो हमारी सेल का सारा काम परफॉर्म करेगा, जो मेन पार्ट होता है सेल का वो हमारा होता है न्यूक्लियस। अब ये डॉट डॉट आप देखेंगे, ये डॉट डॉट वाला जो स्ट्रक्चर है, ये डॉट डॉट वाला जो हमने बनाया हुआ है वो उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है एक जेली लाइक लिक्विड बोल दीजिए। तो ये जेली लाइक लिक्विड जो हमारा फिल होता है कहाँ पर, हमारे सेल के अंदर। अब हमने सेल के बारे में इतना जान लिया, तो अब बात आती है, जैसे हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया, अब हमने देख लिया लीफ को सब कुछ मिल गया, अब देखते हैं कि लीफ के अंदर जो ये सेल्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रही हैं। अब आप इधर वाले डायग्राम पे आइए, इसको जरा फोकस करें या स्क्रीनशॉट लेके इसको थोड़ा इनलार्ज करके आप देखिए कि हमारे जो लीफ के अंदर सेल है वो कुछ इस प्रकार से अरेंज हो रखी है। हमारी सेल्स हैं जो हमारे लीफ के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। अब वो पोर्स कौन सा वाला पोर है जिसके हेल्प से हमारा जो लीफ है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, वो होता है हमारा स्टोमेटा, जो हमारा बीच का ये फिलिंग वाला पार्ट है, खाली पार्ट है हमारा, जो खाली सा पार्ट है वो हो जाएगा हमारा पोर वाला स्ट्रक्चर। और ये जो हमारा साइड में जो दो सी बने हुए हैं, एक सीधा और एक उल्टा, वो हो जाएगी गार्ड सेल। अब ये गार्ड सेल क्या काम करेगी, गार्ड सेल क्या करेगी, उस पोर को खुलने में और बंद होने में उसको गार्ड करेंगी, हेल्प करेंगी। अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो आप देखिए कि ये सारी सेल्स में हमारे ये सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो सब अरेंज हो रखे हैं। यहाँ पर जो बीच में गैप है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप है, वो हमारा क्लोरोफिल है। गार्ड सेल आप ये देख सकते हैं कि जो पूरा हमारा सेल है उसके जो सबसे ऊपर की लेयर है वहाँ पर हमारे गार्ड सेल्स होंगे, और जो नीचे हमारा अंदर की साइड से और आप इनलार्ज करके आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारा स्ट्रोमेटा है वो हमें आपको यहाँ पर प्रेजेंट मिलेगा। अब हमने लीफ के बारे में सब कुछ जान लिया, कैसे वो फूड प्रिपेयर कर रही है वो प्रोसेस हमने जान लिया। ठीक है, अब हमें करनी है एक्टिविटी 1.1। हम ये देखेंगे कि क्या और भी लीव्स या फिर क्या सभी प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो उसी
को देखने के लिए हम 6th क्लास वाली एक्टिविटी दोबारा से रिपीट करेंगे। कैसे? जैसे हमने वहां पर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन की हमने लीफ पर डाली थी, तो यहां पर भी आपको वही करना है। दो प्लांट्स ले लीजिए एंड उनको एक सनलाइट वाला सोर्स दे दीजिए एंड एक को अलमारी में रख दीजिए। आप उनकी लीव्स पर आयोडीन डाल दीजिए। अब कुछ टाइम बाद आप उनको ऑब्जर्व करते रहिए, टाइम टू टाइम ऑब्जर्व कीजिए एंड कुछ टाइम बाद आपका जो अलमारी वाला पौधा है उसको बाहर सनलाइट में रख दीजिए एंड उसके बाद फिर से उसकी ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व करेंगे कि उनमें भी हम क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन ऑब्जर्व करेंगे एंड इसी तरीके से आप किसी भी प्लांट के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। आफ्टर 1.1 एक्टिविटी हम एक चीज़ और जानेंगे। जैसे कि आपने कभी पॉन्ड्स देखे होंगे, उस पर आपने देखा होगा कि जैसे जो ठहरा हुआ पानी है, हमने जाना था वाटर वाले चैप्टर में कि जो ठहरा हुआ पानी होता है हमेशा वो कैसा होता है, गंदा होता है, स्मेली होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो रुका हुआ पानी उसमें ग्रीन ग्रीन पैचेस भी आपने देखे होंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा हिस्सा ग्रीन ग्रीन देखा होगा। वो ग्रीन क्यों दिखता है? वो एक ऑर्गेनिज्म के थ्रू दिखता है, क्योंकि वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म क्या पनपना मतलब पैदा होना शुरू हो जाता है, उसका नाम होता है एल्गी। एल्गी किस कलर का होता है, हमें कैसा दिखाई दे रहा है? वो ग्रीन कलर का। वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिज्म है। तो क्या वो भी ग्रीन कलर का है तो क्लोरोफिल होगी उसके अंदर? ऑब्वियसली उसमें क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन होती है, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई देता है? ग्रीन कलर का दिखाई देता है। अब बात आती है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब प्लांट का फूड सिंथेसिस अदर देन द कार्बोहाइड्रेट। हमने जैसे अब तक जाना कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कैसे अपना फूड प्रिपेयर करें, वो प्रिपेयर करें प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के हेल्प से। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज से बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमने जाना कि ये चीज तो हमारी ठीक है, अब ये चीज़ हमें क्या देंगी? एनर्जी देंगी, एनर्जी काम करने के लिए, और जो हमारी जो चोट लग जाती है उसको भी ठीक करने के लिए जो हमारी एनर्जी मिलती है, या फिर सारे जो न्यूट्रिएंट को हमें ज़रूरत पड़ती है उस वक्त वो सारे हमें फूड से मिलते हैं। ठीक है, फूड हमें इसी चीज़ में और भी बहुत सारे कामों में हेल्प कर रहे थे। तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जो है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब प्लांट्स अपना फूड सिंथेसिस करेंगे अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब अब ये देखेंगे कि जैसे हमने अभी तक ये जाना कि हमारा जो प्लांट्स है वो अपना फूड कैसे प्रिपेयर कर रहा था, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। अब ये देखिए कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो आपको ग्रीन कलर के भी दिखाई देंगे। अब वो कैसे प्लांट्स हुए? क्योंकि अपना खाना खुद नहीं प्रिपेयर करें, तो वो हुए हेटरोट्रॉप्स, मतलब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी हमारे ऐसे होते हैं जो कि अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर पाते और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा, इसका एक एग्जांपल लेते हैं, कसकटा या फिर अमरबेल। आपने देखा होगा कि जो एक ग्रीन सा बहुत बड़ा पेड़ है और आपने येलो येलो से थ्रेड लाइक आपने बेल देखा होगा, उसके ऊपर कोई पत्ता नहीं होता, वो पूरा येलो कलर की होती है और एक जाल काइंड बना लेती है पूरे पेड़ के ऊपर। अब वो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से ले रही है? वो येलो कलर की तो है, मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, अब वो अपना जो फूड ले रही है वो पूरा अपना किस पे डिपेंडेंट है? हमारे उस ग्रीन प्लांट पे डिपेंडेंट है अपना फूड लेने के लिए। तो ये जो रिलेशन है उस येलो वाली अमर बेल का विद द प्लांट, उसको बोलते हैं सिंबायसिस। सिंबायसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि तो ये जो हमारी येलो वाली बेल है हमारे ग्रीन वाले प्लांट पे जो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। मतलब वो बेल हमारे उस पेड़ के ऊपर है और उसका जो न्यूट्रिएंट है वही यूज कर रही है। तो एक तरीके से क्या कर रही है? वो जो हमारा ग्रीन प्लांट की जो ग्रोथ है उसको स्टॉप करके अपनी ग्रोथ वो कर रही है। अब ये देखिए प्लांट अपने लिए न्यूट्रिएंट बना रहा है, उसी न्यूट्रिएंट को वो येलो वाली बेल यूज कर रही है। तो इसका मतलब तो सीधा सीधा यही है, जो हमारा ग्रीन वाला प्लांट का न्यूट्रिएंट है उसमें से आधा हमारी बेल ले लेती है, तो प्लांट को तो आधा ही मिला ना, तो उसकी जो ग्रोथ है वो तो वैसे आधी हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी और अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से हमारी जो पहेली है वो हमें और एग्जांपल्स दे रही है। कैसे? जैसे कि आप लाइस देख सकते हो, जुएं और मस्किटोज देख सकते हो, मच्छर, वो पूरे अपना खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। वो खूनी तो पीते हैं, ठीक है, तो उनको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? होस्ट की। आजकल आपने ये होस्ट वर्ड और कहीं भी सुना होगा, जैसे कि आपको पता है COVID-19 कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसको भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? होस्ट की। बिना होस्ट के वो भी सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब बिना खाने के तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाता, तो वायरस
COVID-19 हमारा वायरस है, उसको भी होस्ट चाहिए। तो हमारे सामने एक और नया एग्जांपल आ जाता है COVID-19 का, और जो पहेलियां दी हैं वो भी। और आप घर पे अपने मम्मा से पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं कि क्या उनकी नज़रों में भी कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो होस्ट पे, जो ऑर्गेनिज्म पूरा होस्ट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो जैसे हमने ये पैरासाइट्स के बारे में जाना, तो इसका मतलब है सीधा सीधा जो हमारे हेटरोट्रॉप्स हो गए, ये इस जो न्यूट्रिशन ये ले रहे हैं हमारे प्लांट से, जो होस्ट की काइंड में ये उसके ऊपर रह रहे हैं और उसका न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं, इस हम प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या हेटरोट्रॉपिक प्रोसेस, जो हमारे क्या कर रहे हैं, पैरासाइट्स कर रहे हैं। अब ये देखें, यहीं पर बूझू बोलता है कि आपने तो क्लोरोफिल की बात करी है, आपने तो ग्रीन जो पेड़ हैं, ग्रीन जो लीव्स हैं उनकी बात करी है, लेकिन मैंने तो रेड और भी येलो कलर और भी बहुत सारे ऐसे हमने प्लांट्स देखे जो कलरफुल होते हैं, जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते, तो क्या उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता? ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन उनका जो अदर पिगमेंट है, जो कि रेड है या फिर पर्पल है या फिर और कोई जो भी कलर है, वो क्या करता है, वो उस ग्रीन कलर को सप्रेस कर देता है, मतलब ग्रीन कलर को दबाकर अपना जो खुद का रेड कलर का पिगमेंट है उसको ज़्यादा उभार के आता है, तो जिसकी वजह से ग्रीन कलर हमारा दब जाता है और जो हमारी लीफ है वो रेड कलर की हमें नज़र आती है। ठीक है, अब ये देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की जैसे बात की, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ से बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब हमें क्या मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, या फिर फूड खाने से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल्स मिलता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। अब ये देखिए, प्रोटीन तो हमारा नाइट्रोजिनस कंपाउंड होता है, नाइट्रोजिनस सब्सटेंस होता है, वो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा हमारे उस प्लांट को? हम तो सब्जियाँ खाते हैं तो हमें तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? अब वही देखेंगे कि जैसे हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो हमारे इन्वायरमेंट में सबसे ज़्यादा अमाउंट में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो सीधी सीधी बात है कि वो इन्वायरमेंट में से ले सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा जो प्लांट है उसको जो नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है वो गैसेस फॉर्म में नहीं चाहिए, उसको चाहिए लिक्विड फॉर्म में। अब वो लिक्विड फॉर्म में उसे कैसे मिलेगी? तो लिक्विड फॉर्म में जैसे हमने देखा कि सॉइल से ही उसको सारे मिनरल्स मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन भी हमारी सॉइल से ही मिलती है। अब सॉइल में नाइट्रोजन कैसे आएगी? सॉइल में हमारे बहुत सारे ऐसे ही बैक्टीरियाज होते हैं। एक बात और आप देखिए कि जो बैक्टीरिया है, मतलब सिर्फ एक जो सिंगल फॉर्म ऑफ हमारे ऑर्गेनिज्म है वो हो गए बैक्टीरियम, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? बैक्टीरिया। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारे एक ऑर्गेनिज्म है वो हो जाएगा सिंगुलर फॉर्म में एल्गा, और अगर हमारे प्लूरल फॉर्म में बहुत सारे अमाउंट में आ जाएगी तो वो हो जाएगी एल्की। उसी तरीके से फंगाई और फंगस। अभी हम बात करे थे एक ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो हमारा सॉइल में रहता है, जिसको बोलते हैं, एग्जाम्पल में ले लीजिए राइजोबियम। तो वो हमारे प्लांट की क्या हेल्प करता है कि जो हमारे इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको लिक्विड फॉर्म में करके हमारे सॉइल में हमारे रूट्स के थ्रू हमारे प्लांट्स को प्रोवाइड कराता है। अब आप ये देखिए कि राइजोबियम जो है वो हमारे प्लांट की हेल्प कर रहा है। अब आप ये देखिए, अपने किसी फ्रेंड से भी अगर आप हेल्प मांगेंगे तो क्या आपका फ्रेंड ऐसे हेल्प करेगा? नहीं, उसको भी तो बदले में कुछ चाहिए, आप भी उसके लिए कुछ करो। तो उसी तरीके से हमारा प्लांट भी उसकी हेल्प करता है। हमारा प्लांट तो बहुत अच्छा है, हमें वो जब फूड देता है तो राइजोबियम की वो हेल्प करेगा। तो राइजोबियम की वो कैसे हेल्प करेगा कि जब हमारा राइजोबियम उसको लिक्विड फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराएगा तो हमारा प्लांट उसको फूड प्रोवाइड कराएगा। अब राइजोबियम अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है और हमारा प्लांट राइजोबियम पे नाइट्रोजन के लिए डिपेंडेंट है। तो ये जो दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाती है तो इसको बोलते हैं हम सिम्बायसिस वाला रिलेशन क्रिएट हो जाता है। सिम्बायसिस का मतलब दोनों चीज़ों का, दोनों ऑर्गेनिज्म का फायदा हो रहा है, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आराम से रह रहा है। तो अब आप ये देखिए, ऐसे और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके सामने हैं और सिम्बायसिस का क्या करते हैं, आपके सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। तो एक और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे कि लाइचेन है हमारा। लाइचेन क्या होता है? हमारा एक वही एल्गा होता है, और वो किस पर डिपेंडेंट होता है? फंगस पे। तो एल्गा मतलब वो लाइचेन, एल्गा और फंगस एक दूसरे के साथ कौन सा एग्जाम्पल सेट करते हैं? सिम्बायसिस। ठीक है,
अब बात आती है हमारा 1.4 पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे हम फोटोसिंथेसिस का देख रहे थे अभी तक प्रोसेस कि हमारे प्लांट को जो न्यूट्रिशन मिल रहा है जो एनर्जी मिल रही है वो कौन से प्रोसेस से मिल रही है फोटोसिंथेसिस। अब ये देखिए हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे मतलब इसमें हमें और नए नए तरीके से मतलब हमारा प्लांट और कौन से डिफरेंट मेथड होते हैं जिनसे उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। तो अब हमने जान लिया कि हमें नाइट्रोजन कहाँ से मिल रही है राइजोबियम से मिल रही है। और भी आपने देखा होगा कभी कभी कि जो किसान है या फिर जो आपका गार्डनर है वो क्या करता है फर्टिलाइजर्स उसको प्रोवाइड करा रहा है प्लांट को। तो उस फर्टिलाइजर्स में क्या होंगे मैन्योर जो होता है हमारा खाद जो हम देते हैं उसमें भी हमारे सारे मिनरल्स ही होते हैं जो हम बाहर से अपने प्लांट को प्रोवाइड कराते हैं। हमारा पॉइंट चल रहा था मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। जैसे कि हमारे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते वो येलो कलर के होंगे या किसी और कलर के होंगे। तो कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर क्या क्लोरोफिल नहीं होता। अब ये देखिए क्लोरोफिल नहीं होता तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे, वो अपना खाना बनाने के लिए किसी और पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हमने सिंबायसिस वाला प्रोसेस देखा था, अब हमें दूसरा प्रोसेस देखना है जिसमें हम पैरासाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते, जो कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से अपना खाना बनाते हैं। अभी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, जैसे हमने पढ़ा था हेटरोट्रॉपिक मतलब अदर नरिशमेंट, तो वो क्या करते हैं अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो आपने देखा होगा कि एक बेल होती है अमर बेल नाम की या हम उसे बोलते हैं कसकटा, तो वो अपने खाने के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। और आजकल जो कोरोना वायरस चल रहा है वो भी हमारा क्या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अपना दिखाता है, उसी से अपना खाना लेता है। अब इन सबको क्या होता है, इन सबको होस्ट की जरूरत पड़ती है, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म से वो अपना खाना लेंगे। होस्ट का मतलब होता है कि वो किसी को ढूंढते हैं अपना खाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। खुद तो बना नहीं पाएंगे, ऑटोट्रॉप्स तो है नहीं, हेटरोट्रॉप्स हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो एक मोड हमने ये जान लिया। अब हमारे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल भी है और वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्ट्स को खाते हैं जी हाँ, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं वो हम अपने डायग्राम से जानते हैं। तो आप ये देखिए कोई भी एक प्लांट देखिए और इसकी जो लीव्स है ये बाद में जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है तो हमारा जो ये लीफ है ये एक जग काइंड में बन जाती है। इस प्लांट का नाम होता है या फिर इस इंसेक्टिवोरस प्लांट जो इसका जो परफॉर्म करता है इसका नाम होता है या इसका एक एग्जाम्पल है पिक्चर प्लांट। तो पिक्चर प्लांट कैसा होता है आप इस डायग्राम में देखिए, एक जग की तरह का होता है जिसके ऊपर एक लिड होती है और इसके अंदर ये जो आपको होलो दिख रहा है इसके अंदर क्या होते हैं छोटे छोटे से फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स मान लीजिए या छोटे छोटे बाल मान लीजिए। आप जैसे क्या करेगा, कोई इंसेक्ट उड़ता हुआ आ रहा है और ये यहाँ पर आके बैठ गया, जैसे ही बैठता तो हमारा जो ये लिड है, जैसे ये हमारा एक हमारा जग है, जग जैसा हमारा प्लांट हो गया ये है उसके ऊपर लिड। तो जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा ये क्या करेगा बंद हो जाएगा और उस इंसेक्ट्स को अंदर ले जाएगा और अपना डाइजेशन कर लेगा। इसका मतलब ये है कि कोई कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं हमारे जो कि फोटोसिंथेसिस से भी अपना फूड बना लेते हैं लेकिन उनकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरा नहीं हो पाता, तो वो क्या करते हैं अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। अब ये जो लीफ है हमारी, ये लीफ ही आगे मॉडिफाई होकर क्या बन जाती है पिक्चर प्लांट बन जाती है। अब बात आती है सैप्रोट्रॉप्स की। अब ये सैप्रोट्रॉप्स क्या है, सैप्रोट्रॉप्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 1.4 सैप्रोट्रॉप्स। अब सैप्रोट्रॉप्स में क्या होता है, तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि ग्रीन कलर के नहीं होते। अब हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था ग्रीन कलर के तो और भी हैं हमारे जो प्लांट्स जो नहीं होते लेकिन उनमें फिर भी क्लोरोफिल होता है। जी नहीं, ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए मशरूम, आपने देखा होगा कि वाइट कलर का होता है वो, या आप फंगस देख लीजिए वो भी वाइट कलर की सी होती है मतलब उजले से रंग की होती है, पूरा ग्रीन नहीं होता तो क्लोरोफिल भी नहीं होगा जैसे हमारे एल्गी में हो रहा था। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे पैदा होकर उसी से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे आपने देखा है मशरूम भी कहाँ होगा, कोई गीली लकड़ी होगी वहाँ पे आपने देखा होगा कि उसी पे मशरूम उगना शुरू हो जाएगा। या फिर जैसे रेनी सीजन होता है तो आपने फंगस देखी होगी, फंगस के जो स्पोर्स हैं
फंगस के जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, और जिस जगह उसे सुइटेबल इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ऐसी जगह मिल जाएगी कि जहाँ पे वो ग्रो कर सकती है या जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिल सकता है, वो वहीं पे ग्रो होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, अब ये जो हमारे इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से प्रोसेस से अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं? सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन से। अब हमने दो पॉइंट्स पढ़ लिए, मतलब दो मोड हमने जान लिए कि प्लांट और किस किस मोड से अपना खाना बना रहे हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले सिंबायसिस वाला एक प्रोसेस देखा था, तो वो भी हमारा एक नेक्स्ट मोड है, अनदर मोड है किसका, हमारे ऑर्गेनिज्म का, हमारे प्लांट्स का न्यूट्रिशन का, अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, अब हम करेंगे एक्टिविटी 1.2। अब इस 1.2 एक्टिविटी में हमें क्या करना है, हमें फंगस ग्रो करानी है अपनी। फंगस ग्रो करानी है? जी हाँ, फंगस ग्रो करानी है। कैसे? आप क्या कीजिए, ब्रेड ले लीजिए, उनको थोड़ा सा मॉइस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, और उनको ऐसा एक मॉइस्ट सा जो इन्वायरमेंट हो, थोड़ी सी लाइट कम आ रही हो, वहाँ पे रख दीजिए। कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे उस पर ना स्पोर्स आ गए, वही स्पोर्स जो हमारे इन्वायरमेंट पे हमने पढ़ा था फंगस वाले, अब वो क्या करेंगे, उस पर ग्रो हो जाएंगे। अब जैसे आप उसे माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, तब आपको उनकी सेल्स भी आपको अच्छे से दिखाई दे जाएंगे। अब पहेली यहाँ पर बोलती है कि हाँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी एक न्यू सैंडल थी लेदर की, और मैंने उसे एक ही बार पहना था, और वो क्या हो, उसके ऊपर फंगस लग गई, वो ख़राब हो गए। अपनी मम्मी के पास जाइए और उनसे पूछिए कि आपके घर में फंगस ने किस किस चीज़ पे अपना कब्जा कर लिया है, कौन कौन सी चीज़ें ख़राब कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए कि जो हमारा फंगस है बहुत सारी चीज़ें ख़राब कर देती है, जहाँ भी उसको मॉइस्ट मिलता है, जहाँ भी उसको ऐसे इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे वो अपनी ग्रोथ कर सकती है, वो वहाँ पर आ जाती है और वो चीज़ों को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो हमारे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जान रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अपने प्लांट्स के साथ साथ, तो वही अब देखेंगे। हमने 1.2 में अपने फंगस ग्रो कराई, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का 1.5, जो क्या है, हाउ न्यूट्रिशंस आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। अब ये देखिए कि हमारा जो प्लांट है उसने न्यूट्रिशन ले लिए सॉइल में से, अब सॉइल में से वो न्यूट्रिशन तो खत्म हो जाने चाहिए, वो बार बार न्यूट्रिशन आते हैं कहाँ से? अभी हमने ये पढ़ा था कि न्यूट्रिशन कहाँ से आता है, हमारे जो फार्मर्स हैं, अभी आपने जाना था कि हमारे जो फार्मर्स हैं वो सॉइल में न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, मैन्यूर, हम जो खाद डालते हैं, हमारे जो लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं, मतलब दाल चना, हमने देखा है कि कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो वही सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं सॉइल में से, वो यही बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, और कुछ जो हमें बाहर से सॉइल को क्या करा रहे, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे, मैन्योर प्रोवाइड करा रहे, उससे क्या होता है, हमारा जो सॉइल में न्यूट्रिशन है वो रिप्लेनिश्ड हो जाता है, मतलब दोबारा से क्रिएट होता है। या फिर इसका एक मेथड और होता है, वो क्या कि हम, आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी खेत में जाते हैं और हम जैसे 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने बाद दोबारा उसी तरफ जाएं, उसी खेत में देखें, तो हमें कभी एक फसल, कभी एक क्रॉप नहीं दिखाई देती, कभी हम शुगर केन, कभी हमें दालें दिखाई देंगी, कभी हमें वीट दिखाई देगा। तो हम ये जो बार बार बदल बदल के जो खेती करते हैं किसी भी फील्ड में, वो क्या कर रहे हैं हम, वो भी हम एक रिप्लेनिश्ड वाला मेथड हो जाता है हमारी सॉइल का। मतलब जैसे हमने एक बार वीट ग्रो किया, तो वीट को जो न्यूट्रिशन जरूरत थी उसने सॉइल में से वो न्यूट्रिएंट्स चूज कर लिए। ठीक है, अब बाकी जो न्यूट्रिएंट्स बचे हैं वो हम क्या करेंगे, वीट की जगह दूसरी हम कोई क्रॉप उगा देंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में बचे हैं वो उनको यूज कर लेंगे। अब क्या हुआ, जो हमारी सॉइल के पुराने वाले न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गए थे, जो हमारे वीट ने लिए थे, वो हमारे रिप्लेनिश्ड हो गए, तो हम उस पर दोबारा वीट उगा सकते हैं। तो हम जो ये बदल बदल के जो हम क्रॉप उगाते हैं, इससे हमारे इस तरीके से रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं हमारे क्या, न्यूट्रिएंट्स। तो अब हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो हमने जाना कि हमारे जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। हमने 6th क्लास में अपना खाना देखा था, आज हमने प्लांट्स का खाना देखा। तो हमारी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारी इस वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी कुछ नया जान सके। जैसे कि अब कोरोना चल रहा है, तो घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही पढ़ते रहिए। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हमें बहुत मोटिवेटेड रखता है, हमें सपोर्ट करता है। तो ऐसे हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहें। थैंक यू।